सुना है, ब्रांड तो सुना है ना। मुझे पता है कि आप में से कोई ऐसी नहीं है जिसको ब्रांड का पता नहीं है। अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी अपनी बच्चियां भी हैं, मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, ब्रांडर कौन होता है? जो ब्रांड बनाता है। बनाने का क्या मतलब? मैंने दुकान खोली, दुकान बनाई, अब उसमें यह हुआ कि जनाब मैंने एक किसी को रख लिया कि भाई आपका काम यह है कि आपने मेरी प्रमोशन कर, जिसको कभी कहते थे ना मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग का वो साइड है कि जो लोगों को बताती है कि भाई पिज्जा तो पिज्जा हट कर है, तो लेकिन तहजीब ने आकर बताया कि नहीं, पिज्जा जो है वो पिज्जा हट का अच्छा नहीं है, इसलिए कि वो पिज्जा बनाने के लिए जो उसकी डोब होती है उसको इतने टेम्परेचर पे रखना लाजमी होता है, वरना वो पिज्जा जो है अच्छा पिज्जा नहीं होगा, उसके अंदर जरासीम आ जाएंगे। और उसके नतीजे में तहजीब ने आके लोगों को ये शऊर भी दे दिया, और साथ उसने कोशिश की कि तहजीब सिखाई जाए, तो उसने कहा कि पिज्जा तो फिर हमारा पिज्जा होगा। तो बेचारा पिज्जा हट पिट के रह गया क्योंकि हमारा पिज्जा लोग खाएं। तो सिवाय सोशल स्टेटस कॉन्शियस पीपल के अलावा वहां पिज्जा हट पे जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। पिज्जा खाने के लिए, पिज्जा खाने के लोग प्रेफर करते हैं तहजीब को। मैं तहजीब का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं चूंकि करियर काउंसलर हूँ इसलिए आपके सामने बता रहा हूँ कि वो क्या हुआ। प्रोडक्ट अच्छी थी और एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि हाँ आपने ब्रांड को मुतारिफ करना है, और वो मुतारिफ हो गया। आप जानती है ना तहजीब को, ये यही है, उन्होंने अपना मनवाया अपने आप को, और उसके बाद आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। कौन कौन बनना चाहती है? अच्छा, इस पे खैर ट्रॉफी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये कि मैं आपको बताती हूँ, बताता हूँ, सॉरी। अच्छा चले, किसी बात पे तो खुश हो गई ना।